इनको क्या पता मैंने करी कितनी मेहनत, सारी बातों से था मैं पूरा सहमत। सारी नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शिवम, आप देख रहे हैं हमारा चैनल टेक खुराफाती लौंडाई। इस वीडियो में बात करने वाले हैं कैन स्टार अरिया प्लस सीलिंग फैन के बारे में। बात करें हम यहाँ पे प्राइस की 1044 रुपीज का आपको फ्लिपकार्ट पे देखने को मिल जाता है। इसके अलावा हम इसमें बात करेंगे क्या ये आपको फैन परचेज करना चाहिए, क्या थे इसके यूजर्स ओपिनियन जिन्होंने इनको परचेज करा, फिलहाल इसको हम बाद में बात करेंगे। बात करेंगे यहाँ पे हाईलाइट की, तो आपको 380 का आरपीएम, 70 वॉट का पावर कंजप्शन, 5 शिफ्टिंग गियर, क्वालिटी आपको यहाँ पे अल्यूमिनियम की देखने को मिलती है। फैन का ओवरऑल वेट है 2.5 kg। बात करें तो यहाँ पे हम कुछ प्रोज एंड कॉन्स की, जो बात मुझे पर्सनली इस फैन के अंदर अच्छी लगती है। सबसे पहली बात, आपको यहाँ पे लुक एक डिसेंट देखने को मिल जाता है, जो कि एक एवरेज फैन का लुक होता है, सिंपल और प्लेन। आपको इस तरह के कई सारे कंपनीज के कई सारे फैन देखने को मिल जाते हैं, तो उन्हीं के सिमिलर में एक डिसेंट लुक आपको कितने कम प्राइस पे देखने को मिलता है। और यहाँ पे आपको आरपीएम काफी ज्यादा बेहतरीन देखने को मिलता है। अगर जो आप मेरे वीडियोस को देखते हैं तो आपको ये बिल्कुल पता होगा कि एक फैन का आरपीएम 380 से 400 के बीच में होना चाहिए, जो कि फैन के लिए काफी बेस्ट है। तो यहाँ पे आपको 380 का आरपीएम देखने को मिल जाता है, जिसकी वजह से आपको यहाँ पे रोटेशन की कोई भी शिकायत नहीं देखने को मिलती और एयर फ्लो काफी अच्छा होने वाला है। नेक्स्ट पॉइंट अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपको बहुत ही अच्छा पावर कंजप्शन देखने को मिल जाता है, जो कि है 70 वॉट का। दोस्तों अगर जो एक पावर कंजप्शन थोड़ा सा ज्यादा होता है तो भाई लॉन्ग रन में उसमें इलेक्ट्रिसिटी बिल ज्यादा आने लगता है फैन का, जिसकी वजह से आपके बजट में थोड़ा सा इफेक्ट हो सकता है। लेकिन यहाँ पे आपको 70 वॉट पावर कंजप्शन देखने को मिलता है, जो कि एक आइडियली फैन के लिए सही है, क्योंकि नॉर्मल फैन में 70 वॉट का पावर कंजप्शन एकदम बेस्ट माना जाता है। यहाँ पे आपको डबल बॉल बियरिंग का सपोर्ट और 100% वाइंडिंग का सपोर्ट देखने को मिल जाता है, जिसकी वजह से आपका फैन लॉन्ग रन के लिए काफी एफिशिएंट हो जाता है और इंटरनली काफी ज्यादा मजबूत हो जाता है। और यहाँ पे ग्लॉस फिनिश देखने को मिलता है, जिसकी वजह से आपकी फैन की जो सरफेस है वो काफी ज्यादा शाइनिंग होने वाली है अदर फैन के कंपैरिजन में। लेकिन यहाँ पे बात करें कुछ कॉन्स की, जो मुझे पर्सनली बातें इस फैन के अंदर अच्छी नहीं लगती है। सबसे पहली बात, आपको यहाँ पे CFM ज्यादा देखने को मिल जाता है, जो कि है 7234 का, थोड़ा सा ज्यादा है। लेकिन अगर हम कंपेयर करें अदर फैन से तो भाई उनके मुकाबले काफी कम है, क्योंकि वहां पे 8000 के आसपास का CFM देखने को मिलता है। देखो CFM एक ऐसा फैक्टर है जिसकी वजह से हम ये कह सकते हैं कि नॉइज का भी डिपेंड होना इसी फैक्टर पे डिपेंड करता है। तो लेकिन यहाँ पे आपको CFM अदर के मुकाबले कम मिल जाता है तो अच्छी बात है, लेकिन एक आइडियली 7000 से 6500 के आसपास का CFM होना चाहिए, जिससे आपके फैन में काफी अच्छी एयर फ्लो होता है और कवरिंग एरिया भी काफी अच्छी होती है। नेक्स्ट पॉइंट ये, तो जब हम यहाँ पे बात करें तो भाई फैन का जो वेट है वो 2.5 kg है, यानी कि इसके अंदर जो कॉपर की वाइंडिंग तो 100% दी गई, लेकिन कॉपर वाइंडिंग हल्की, इससे थोड़ा सा इफेक्ट हो सकता है फैन में। फैन थोड़ा जितना ज्यादा भारी हो, मतलब बहुत ज्यादा भारी भी ना हो, नॉर्मल एक थोड़ा भारी फैन, मतलब 3-3.5-4 kg के आसपास का जो फैन होता है उसमें हैवी कॉपर यूज किया जाता है, तो उससे मोटर ज्यादा लॉन्ग टर्म के लिए एफिशियंट हो जाती है। यहाँ पे थोड़ा सा कम वेट रखा गया फैन का, यानी कि इसमें वायर कम यूज करे गए हैं, तो थोड़ा सी प्रॉब्लम शायद आपको लॉन्ग रन में देखने को मिली थी, लेकिन ओवरऑल ये फैन अच्छा है। बात करके यहाँ पे कुछ हम यूजर्स कमेंट की, जिन्होंने इसको परचेस करा और अपने ओपिनियन को शेयर करा फ्लिपकार्ट पे, तो हम उनके अगर कमेंट की बात करें तो सबसे पहले हम बात करेंगे कुछ पॉजिटिव और निगेटिव कमेंट्स की। पॉजिटिव कमेंट्स की बात करें तो भाई उनका कहना था ओवरऑल फैन काफी ज्यादा सही है और उनको काफी पसंद आया, लेकिन हर एक प्रोडक्ट की कुछ अच्छी और खराब बातें होती है। वैसे ही नेगेटिव कमेंट्स की अगर हम यहाँ पे बात करें, नेगेटिव कमेंट्स में यहाँ पे एयर फ्लो इशू देखने को मिल जाता है, यानी कि थोड़ा सा मान लीजिए रूम साइज में प्रॉपर एयर नहीं पहुंचा पा रहा है, या फिर डिसबैलेंस एयर है, ऐसा कुछ इश्यूज उनको देखने को मिल जा रहा है। कुछ लोगों के फैन 6 महीने के अंदर अंदर ही खराब हो गए, इस तरह के कुछ इश्यूज देखने को मिला। और इसके अलावा यहाँ पे सर्विस का इशू देखने को मिला है लोगों को, तो कुछ यही नेगेटिव कमेंट थे, लेकिन ये काफी कम थे और पॉजिटिव कमेंट इनके कंपैरिजन में ज्यादा थे। तो इस वीडियो को देखकर आपको तो ये बिल्कुल पता ही लग गया होगा कि ये फैन आपके लिए सुटेबल है या नहीं है। लेकिन अगर हम यहाँ पे बात करें रूम साइज की, तो आप यहाँ पे 10x10 के रूम साइज में लगाएंगे, बिल्कुल परफेक्ट एयर आपको यहाँ पे मिल जाती है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिएगा, क्योंकि मैं इस तरह की वीडियो आपके लिए लेके आता रहता हूं। तो तब तक के लिए नमस्कार।